एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने 20 असेंबली से जो सीट जीते थे, एग्जैक्टली इनका हलका बता दीजिएगा, उन्होंने वो सीट PS 129 वाली सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। PS 129 इनका हलका, वैसे ये गलती फैसला साबित होगा इनका। मैं ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है, ये दुरुस्त है कि उनके साथ हो सकता है ज़्यादती हुई हो, उन्हें फील हो रहा हो कि बड़ी ज़्यादती है, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अकेले ही काफ़ी थे पूरी असम्बली के लिए। हाँ। उन्हें वहाँ मौजूद रहना चाहिए और था, इनके वोटर का एतमाद था। जी, और आगे आज आपको एक सीट मिली है, कल हो सकता है आपको इसी सीट की वजह से 15 सीटें मिल जाती, 20 सीटें मिल जाती। लग रहा है कि इन्होंने ज़रा जल्दी कर दी। बाहर रहना, इस्तीफे देना कभी अच्छा फैसला नहीं। हमने ये देखा है कि देखे 1985 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया इलेक्शन का, उससे एक पूरी नई जनरेशन आ गई। अभी जमात इस्लामी ने जिस इलेक्शन से 2008 से बायकॉट किया वो गलती हुई, PTI ने किया वो गलती हुई।